नमस्कार। अब हम मेडिटेशन सेशन शुरू करेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए हम करेक्ट मैनर में और प्रिसाइज प्राणायाम करेंगे और उसके बाद ध्यान भी करेंगे। सब लोग आराम से बैठ जाइए। हाँ, हम जो प्राणायाम आज करने वाले हैं उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, और यह उज्जयी प्राणायाम की बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेज है। तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही आपको करना है। आपने जो भी प्राणायाम सीखे हैं उसको और इसको मिक्स नहीं करिएगा। आंखें बंद है आपकी, हाथों को ब्रह्म मुद्रा में रखें अपने थाइस पर। आंखें बंद कर लें, अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें गर्दन पर और सांस छोड़ते हुए नाक के बाजुओं पर। उसी प्रकार अपने सर को रिलैक्स करें, सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें अपने क्राउन पर और सांस छोड़ते हुए मन को केंद्रित करें नाक के बाजुओं पर। उसी प्रकार अपने चेहरे को और आंखों को रिलैक्स करें, सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें आंखों पर, सांस छोड़ते हुए नाक के बाजू ऊपर। हाँ, अच्छे अच्छे आरामदायी सांसें लें। अभी अपने मन को स्थिर करें। मन को स्थिर करने के लिए मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं और प्रवाहित हो रहे हैं सभी के साक्षी बने, अर्थात जो विचार प्लेजेंट है और जो विचार डिस्टर्बिंग है दोनों को भी ओके कहे, विद द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ ओके कहे। मीनिंग, जो विचार प्लेजेंट है उसके साथ जो घटनाएं जुड़ी हुई है उसके लिए ब्रह्मांड के धन्यवाद अदा करें, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। और जो डिस्टर्बिंग विचार है उसके साथ जो घटनाएं जुड़ी हुई है उसके लिए मन में विश्वास रखें, विश्वास दृढ़ करें कि जो घटनाएं हुई है मेरे साथ वो मेरे लिए योग्य थी और आगे भी योग्य घटनाएं ही मेरे साथ होगी। इस विश्वास के साथ ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। इससे आप सरेंडर की अवस्था में जा पाओगे जब आप सभी को ओके कहेंगे विद द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सांसें आरामदायी हैं, बंद आंखों से अपने हृदय की तरफ देखते रहें। अब सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें नाक पर, उसके बाद गले पर या फिर अपने स्वरयंत्र पर और हृदय पर।
और सांस छोड़ते हुए मन को केंद्रित करें। इन रिवर्स सीक्वेंस अपने हृदय पर, स्वर यंत्र पर और नाक पर। जब आप सांस ले रहे हो और मन को केंद्रित कर रहे हैं, तब जब तक आपका मन केंद्रित होता है हृदय पर, सांस आगे जाएगी आपके फेफड़ों में। जाने दीजिए, जोर से सांस नहीं लेनी है। नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग, सांस को रोक के नहीं रखना है। ये कोऑर्डिनेशन होने के लिए खुद को समय दीजिए। उसी प्रकार जब सांस आप छोड़ रहे हो और आपका मन केंद्रित होता है नाक पर, तब तक सांस ब्रह्मांड में जाएगी, आसमान में जाएगी। जाने दीजिए, सांस को रोक के नहीं रखें, डीप ब्रीदिंग ना करें, रिलैक्स्ड सांसें लेते रहें। कभी भी थकान सी लगे तो 3 या 4 आरामदायी सांसें लें और उसके बाद वापस मन को केंद्रित करें। सांस लेते समय नाक पर, गले पर और हृदय पर, सांस छोड़ते हुए हृदय, स्वरयंत्र और नाक। पूरे समय बंद आंखों से अपने हृदय की तरफ देखते रहे। उसके लिए अगर आपको लगता है थोड़ी सी आपकी गर्दन झुकाएं तो झुकाएंगे तो इजी होगा आपके लिए, तो आपकी गर्दन झुकाए, थोड़ी सी फ्लेक्स करें। सांस लेते हुए मन केंद्रित है नाक, स्वरयंत्र, हृदय। सांस छोड़ते हुए मन केंद्रित है हृदय, स्वरयंत्र, नाक। बीच में थकान सी लगे तो 4-5 आरामदायी सांस लें और वापस प्राणायाम शुरू करें। बंद आंखों से पूरे समय अपने हृदय की तरफ देखते रहे। अब सांस लेते हुए मन में केवल भावना लाए कि आपके स्वरयंत्र के यहाँ सांस लेते समय बोल रहे हो या आवाज निकाल रहे हो सो, और सांस छोड़ते हुए आवाज निकाल रहे हो हम। आपको एक्चुअली आवाज नहीं निकालनी है, केवल मन में भावना लानी है कि सांस लेते हुए आप स्वरयंत्र के यहाँ सो शब्द बोल रहे हो और सांस छोड़ते हुए स्वरयंत्र के यहाँ आप हम ये शब्द बोल रहे हो। मन 3 पॉइंट्स पे केंद्रित रखना है, नाक, स्वरयंत्र, हृदय। सांस छोड़ते हुए इन रिवर्स सीक्वेंस बंद आंखों से हृदय की तरफ देखते रहे और सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। आवाज नहीं निकालिएगा, केवल भावना लाइए। वेरी गुड। अब मन को केंद्रित करें अपने दो भुवाओं के बीच। वहां पर सुनहरे वाइब्रेशंस आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में सतर्क हो जाएं।
अब धीरे धीरे मन को केंद्रित करें अपने तालू पर, अपने क्राउन पर। और सुनहरी किरणें, सुनहरे वाइब्रेशंस आपके तालू में प्रवेश कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। धीरे धीरे जागृत हो जाए, वाइब्रेशंस आपके गर्दन में, गर्दन के स्पाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, सुनहरे वाइब्रेशंस। जागृत हो जाए कि सुनहरे वाइब्रेशंस आपके अपर बैक के स्पाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब हृदय के पीछे। धीरे धीरे जागरूक हो जाए कि सुनहरे वाइब्रेशंस आपके मिडिल बैक के स्पाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब आपके नाभि के पीछे। धीरे धीरे जागरूक हो जाए कि सुनहरे वाइब्रेशंस आपके लोअर बैक के स्पाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, सुनहरे वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं आपके स्पाइन के एंड में, जहां पर स्पाइन खत्म होता है वहां पर, उसके बारे में जागरूक हो जाए। सांसें आरामदायी रखें, बंद आंखों से अपने हृदय की तरफ देखते रहें और सुनहरे वाइब्रेशंस जो आपके तालू से लेकर पूरे स्पाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, उसके बारे में सतर्कता कायम रखें। धीरे धीरे जागरूक हो जाए कि वाइब्रेशंस आपके पैरों के सोल्स में प्रवाहित हो रहे हैं, पैरों के तलवों में प्रवाहित हो रहे हैं। और हाथों के तलवों में भी प्रवाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे इसके बारे में जागरूक हो जाए कि ये सुनहरे वाइब्रेशंस अवकाश में जो वाइब्रेशंस है उसके साथ एकरूप हो रहे हैं। तो आपका शरीर अस्तित्व में नहीं है, केवल अवकाश है और वाइब्रेशंस है।
धीरे सांसों की तरफ ध्यान दे, सांसों के बारे में जागरूक हो जाए। इसके बारे में जागरूक हो जाए कि सांसों के रूप में आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, हर सांस के साथ और हर सांस के साथ आत्मा शरीर का त्याग कर रही है। वेरी गुड। धीरे धीरे मन को केंद्रित करें आपके दो भुवाओं के बीच। और मन में सतर्कता से कहें, जो आपने अनुभव लिया है उसके बारे में जागरूक होकर कहें, मैं चैतन्य हूँ और ये चैतन्य इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये मैं जानती हूँ, इसका मुझे एहसास है। चैतन्य मेरे लिए जो कर रहा है वो मेरे लिए योग्य है, इस पर मेरा विश्वास है। आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड को शरण आई हूँ। अब हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें अपने सीने के पास। बंद आंखों से मिडिल फिंगर्स के टिप्स को देखें। उन्हें देखते हुए आराम से धीरे धीरे और प्रसन्नता से आंखें खोलें। धन्यवाद। थैंक यू।